यहाँ पे हमें यहाँ पे ए बी एंड ए प्लस बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिए, हमें यहाँ पे ए टाइम्स ए प्लस बी का होल इनवर्स और बी का होल इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, देखिए हम इसको पहले यहाँ पे अगर मैं ए प्लस बी का होल इनवर्स करूंगा तो वो आ जाएगा ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, बाहर है हमारे पास बी का होल इनवर्स। फिर आप अगर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स, और बाहर है हमारे पास बी इस सारे का होल इनवर्स। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आई बन जाएगी, आई प्लस आई को फिर मैं बी से इंटू कर दूंगा तो बी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई तो ए बी इनवर्स इंटू बी का होल इनवर्स। अच्छा बी इंटू बी इनवर्स हमारे पास जो होता है आई होता है, और बी प्लस ए का होल इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट है।